शिमला नगर निगम के साहब सोसाइटी में तैनात सफाई कर्मचारी की कोरोना से हुई मौत के बाद अब कोरोना वॉरियर के तहत मिलने वाले मुआवजे के लिए नगर निगम सरकार को प्रस्ताव भेजेगा। नगर निगम की ओर से हालांकि साहब सोसाइटी फंड से परिवार को 1,00,000 देने के साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की है। इसके साथ ही कोरोना वॉरियर की मौत पर परिवार को सरकार द्वारा 50,00,000 देने की घोषणा भी की गई थी। सफाई कर्मचारियों को भी कोरोना वॉरियर घोषित किया गया था। वहीं अब सरकार के समक्ष नगर निगम ये मामला उठाने जा रहा है। नगर निगम के महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच 1.5 साल से सफाई कर्मचारी लोगों के घरों से कूड़ा उठाने का काम करते हैं। इस दौरान किसी भी कर्मी की मौत नहीं हुई, लेकिन अभी हाल ही में एक कर्मचारी की मौत हुई, जिसके बाद निगम के आयुक्त ने 1,00,000 की फौरी राहत परिवार को दी है। इसके अलावा पार्षद भी अपनी ओर से मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से भी ड्यूटी के दौरान कोरोना वॉरियर की मौत पर 50,00,000 का मुआवजा देने की घोषणा की थी। अभी इस बात का बहुत ही दुख हुआ कि हम पिछले डेढ़ साल से हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे डोर टू डोर कर्मचारी जो कार्य कर रहे थे, कोई भी किसी की भी डेथ नहीं हुई थी। अभी अचानक हमारे एक जो है सेफ सोसाइटी कर्मचारी की जो डेथ हुई है, हमें इसका बहुत दुख है। और इस पर आपने देखा होगा कि हमारे आयुक्त महोदय ने तुरंत 1,00,000 रुपये उनके परिवार को हेल्प भेजी है। और हम जितने भी पार्षद हैं, हमारे जो नगर निगम के अधिकारी हैं, सब हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। और इसके बाद जैसे भी उनका जो केस है, जैसे कि हमने कहा था कि जो ड्यूटी दौरान किसी की डेथ हो जाती है तो उनको 50,00,000 का मुआवजा दिया जाता है, तो इसका केस भी आयुक्त महोदय जो है तुरंत जो है सरकार को भेज रहे हैं। मैं समझती हूँ कि ये मुआवजा भी उनके बहुत जल्दी मिलेगा। बता दें, शिमला शहर में हर रोज़ डोर टू डोर लोगों के घरों से कर्मचारी कूड़ा उठाते हैं और शहर में होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों के घरों से भी कूड़ा उठाया जा रहा है। ऐसे में इन कर्मचारियों को भी इस महामारी की चपेट में आने का डर लगा रहता है। ईटीवी भारत के लिए शिमला से लियाकत अली की रिपोर्ट।